हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अच्छी हूँ, खुश हूँ। तो आज मैं आपके साथ छोटे छोटे किचन टिप्स लेकर आई हूँ, जो टिप्स आप सबको ज़रूरत होगी तो आपके काम भी आसान हो जाएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आपको ज़रूर पता चलेगा मैं कौन सी टिप्स बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो आप लोग सब मटर छीलते हैं, आप लोग वीडियो में कितना सारा वीडियो वायरल हो रही है, मिक्सी में मटर छीलना, वॉशिंग मशीन में मटर छीलना, लेकिन आखिरकार हाथों में ही छीला जाता है। तो हाथों में छीलने के टाइम हम क्या गलती करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, हम इस तरह मटर छीलते हैं, छिलका को एक पॉलीथीन में डाल देते हैं तो हमारी काम थोड़ी सी आसान हो जाती है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि ज़्यादातर मटर हम मटर के जगह पर बर्तन पर नहीं रखकर अमर यही छिलके पर डाल देते हैं। लेकिन देखिए, इस तरीके के आप मटर छिलेंगे ना, ज़्यादातर मटर हमारी छिलके में आ जाती है, तो यही गलती होती है। तो आज ये गलती का हम कैसे सुधारेंगे, देखिए मटर को पास में ले आइए, पॉलीथीन को थोड़ी सी दूर में रख लीजिए। जब मटर हम छिलते हैं इस तरीके के बर्तन में रखकर हम मटर छिलते हैं, वो सारी मटर के दाने यहीं पर रह जाती है और छिलका पॉलीथीन में रह जाती है। क्योंकि हम जब टीवी देखते हैं, बातें करते हैं, इसी टाइम ये काम हम करते हैं। तो इसी तरीके के मैंने सारी मटर छील ली, छिलका पॉलीथीन में रख ली। तो यही स्मार्ट आइडिया ना, आपके पास साथ ये टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस तरह के मटर छिलेंगे ना, आपकी काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए सेकेंड टिप्स की तरफ, छोटा छोटा टिप्स लेकिन काम आने वाली। घर में आलू आती है, आलू में इतनी मिट्टी वगैरह लग कर रहता है ना, जब हम आलू काटने के लिए बैठ जाते हैं तो पहले आलू को धोना पड़ता है, बाद में आलू हम काट पाते हैं। लेकिन जब घर में आलू आती है, उसी टाइम हम उसको धोकर साफ कर लेंगे तो हमारी काम आसान हो जाती है। तो देखिए, इस तरीके के आलू आने के बाद मैंने उसको पानी में 10-15 मिनट तक छोड़ देती हूँ। उसके बाद एक दो बार धो लेती हूँ। धोने के बाद मैं उसको इसी तरीके के कपड़े में सुखा कर सूखने के लिए छोड़ देती हूँ, बाद में सब्जी स्टैंड में लगाती हूँ। आप लोग भी इस तरीके के करने से हमारी काम थोड़ी सी आसान हो जाएगी, टाइम भी बच जाएगी। क्योंकि फटाफट हम सुबह सुबह उठकर खाना बनाते हैं, टिफिन बनाते हैं, तो ये सब आलू धोकर फिर से लाना काटना ये दिक्कत वाली बात होती है। इसी वजह से एक साथ आलू को धोकर हम रख लेते हैं तो आपके पास जितनी आलू आती है, 1 किलो 2 किलो जो जितना आप लोग के घर में आती है, उसी आलू को आप फटाफट धोकर इस तरह सुखा कर रख लेंगे तो आपके काम भी आसान हो जाएगा। ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए तीसरी टिप्स की तरफ, तीसरे टिप्स भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए, आलू मैंने इसी पॉलीथीन से निकाली थी, पॉलीथीन को फेंकना चाहिए था क्योंकि इतना मिट्टी हो गई थी। लेकिन मैंने इस तरह मेरी सिंक के पास छोटा सा बाल्टी रखती हूँ, तो इसी बाल्टी में पॉलीथीन की मैंने लगा ली। लगाने के बाद जो झूठा वगैरह निकलता है बर्तन धोने के लिए, इस तरह रखने से हमारी फटाफट उठाकर हम डस्टबिन में फेंक सकते हैं, तो ज़्यादा गंदा नहीं होती है। जो कीड़े मकोड़े आते हैं वो भी नहीं आएंगे। छोटे छोटे मक्खियाँ आ जाती हैं किचन में। तो यहाँ पर चौथा टिप आपको ज़्यादा काम में आएगा, तो ध्यान से देख लीजिए। दाल चावल के साथ थोड़ी सी चना भी मैंने भिगा कर रख ली। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आलू को मैंने बॉयल करी हूँ। क्यों बॉयल कर रही हूँ आपको बताऊँगी। बॉयल करने के बाद आप लोग इस तरह आलू को बॉयल करके पानी से निकाल लीजिए, उसके ठंडा होने के बाद फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। तो सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट हम बनाते हैं ना, फटाफट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो चना को मैंने भिगा कर रखी थी उसको निकाल कर भी मैंने बॉयल करके इसी तरह टिफ़िन में स्टोर करके हम फ्रिज में रख लेते हैं। तो हमारी जब खाने बनाने के लिए मन नहीं होती है, उसी टाइम फ्रिज से निकाल कर आलू चना सब हम फटाफट इस तरह 2-3 दिन तक आराम से रह जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर 14 टिप्स मेरी अदरक लहसुन और प्याज को लेकर आपके साथ मैंने ये रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर इस तरह के जब बैठते हैं, टीवी देखते हैं, सारी छिलका को निकाल कर हम इस डब्बे से स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब पीसना है तो इसमें अदरक लहसुन आप लोग जब पीसते हैं उसी टाइम उसमें पानी के बदले थोड़ी सी ऑयल और नमक डालकर पीस कर भी स्टोर कर लीजिए। मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसी वजह से सिर्फ किसे स्टोर करते हैं मैं इसी बात को दिखा ली। अब चलिए, जो दाल चावल को हमने भिगा कर रखी थी अब हम उसको पीस लेते हैं। तो ये टिप्स आपको ज़रूर पसंद आएगा, आपको सबको भी पता है। जब इस तरह के हम पीस कर रख लेते हैं 8-10 दिन तक हमारी आराम से काम हो जाती है, दोबारा कुछ बनाने के लिए नहीं पड़ती है। थोड़ी सी
पानी कम देकर उसको पीस कर हम इस तरह कोई भी एयर कंटेनर डिब्बे में टिफिन में स्टोर कर लीजिए। तो जब आपको ज़रूरत होगी आप निकाल कर डोसा वगैरह करके खा सकते हैं, पकौड़ा भी बनाकर खा सकते हैं थोड़ी सी बैटर में डालकर। आज की ये छोटी छोटी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना।